My dear viewers, today I am going to explain you the second chapter, the cherry tree of this book, English Junctions, Class 7. The cherry tree. This chapter is written by the author Ruskin Bond. In this chapter, you will read about the three characters. First is Rakesh, second character is his grandfather, and third character is the cherry tree. Before starting the explanation of this chapter, first I will give you the little intro of Ruskin Bond. He was born in 1934. He is an Indian author of a British descent. He is well known for his delight stories about his childhood in Dehradun. His first novels, The Rooms on the Roof, was about a young Anglo-Indian boy named Rusty who lived in Dehradun. Bond wrote his novel when he was 17 years old, and it won the John Larry Rhimes Memorial Prize in 1957. He won the Sahitya Akademi Awards also in 1992 for Our Tree Still Grow in Dehra. He was awarded the Padma Shri also in 1999 and the Padma Bhushan in 2014. So now I am going to start the explanation of this chapter. Before starting this explanation, I will tell you about the cherry trees. Mostly cherry trees were blooms in Japan, and Japanese people they call cherry blooms as a sakura. Now I am going to start the chapter. Rakesh lived with his grandfather in a little cottage in the Himalayan foothills. Rakesh, जो कि हिमालय फुट हिल्स, वी कैन से फुट हिल्स मीन्स लो हिल्स एट द बॉटम्स ऑफ द लार्ज माउंटेन और अ रेंज ऑफ माउंटेन्स, मीन्स फुट हिल्स मतलब वो हिमालय की वो हिली एरिया जहाँ पे थोड़े से ज़मीन समतल होते हैं और वहाँ छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं जैसे जहाँ के उस एरिया में लोग अपना घर बना सके, उस जगह पे राकेश अपने ग्रैंडफादर के साथ एक कॉटेज मीन्स घर घर में रहता था। मोस्टली हम कहते हैं लकड़ी के बने हुए घर को हिली एरियाज में, एक्चुअल मीनिंग कॉटेज मीन्स वी कैन से झोपड़ी ऑल्सो, बट हियर इट इज़ अ वुडन हाउस वेयर राकेश रहता था अपने ग्रैंडफादर के साथ। हिज पेरेंट्स लिव्स इन अ स्मॉल विलेज 50 miles अवे, बट देयर आर नो स्कूल्स देयर, इसलिए राकेश अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहता था, अपने ग्रैंडफादर के साथ रहता था। कहाँ पर? मसूरी में, क्योंकि उसके पेरेंट्स जहाँ पर रहते थे वहाँ पर कोई स्कूल्स नहीं थे। राकेश कम टू लिव इन मसूरी विथ हिज ग्रैंडफादर। हियर द सॉयल इज स्टोनी एंड द कोल्ड ड्राई विंड डू नॉट अलाउ द प्लांट्स टू ग्रो वेरी टॉल। एंड नाउ इन दिस लाइन देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ वेदर ऑफ अ मसूरी। मसूरी की वेदर कैसी थी? ऑयल इज स्टोनी, स्टोनी मीन्स हियर सॉयल, मट्टी जो कि थी बहुत ही पथरीली थी, बहुत ही कड़क हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोल्ड और ड्राई विंड हमेशा बहती रहती थी, मीन्स एटमोसफियर काफ़ी कोल्ड, बहुत चिलिंग रहता था। इस वजह से प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते थे, बहुत टॉल नहीं हो पाते थे। वन डे व्हेन राकेश वाज 7, एक दिन जब राकेश 7 साल तक का था, ही वॉक फ्रॉम द मसूरी बाजार ईटिंग ए चेरीज, वो मसूरी बाजार में से गुजर रहा था चेरीज खाते हुए। There were a little sweet, little sour, small bright red cherries which had come all the way from the Kashmir valley. जो कि चेरीज जो थी वो थोड़ी स्वीट थी, थोड़ी मीठी थी, थोड़ी शोर खट्टी थी, और वो कैसी दिख रही थी? छोटी ब्राइट रेड कलर्स, चमकीली रेड कलर्स की, ब्राइट रेड कलर्स की दिख रही थी, जो कि कहाँ से आती थी? कश्मीर की वैली से आती थी। बाय द टाइम ही रीच्ड होम, जब तक कि वो घर पहुँचा तब तक कि वो सारी चेरियाज ख़त्म हो चुकी थी। सिर्फ 3 cherries वर लेफ्ट, उसके हाथ में सिर्फ 3 cherries बची हुई थी। जब वो घर पहुंचता है तो उसे वो क्या देखता है? अपने दादाजी को। देन ही आस्क्ड, हैव अ चेरी दादा, ही आस्क्ड एज सून एज ही सॉ हिज ग्रैंडफादर इन द गार्डन। जैसे ही पूछता है, वो दादाजी को देखता है, वैसे ही पूछता है मैनर वे में कि हैव अ चेरी दादाजी, और जैसे ही पूछता है ऐसे ही अचानक से वो फिर वो क्या देखता है? उसके दादाजी उस तभी गार्डन में जा चुके रहते हैं। नाउ दिस इज अ पेज 2 ऑफ दिस second chapter, and the first line is grandfather took one cherry and asked promptly ate the other two, and Rakesh promptly ate the other two. Grandfather's ek cherry, chuki Rakesh ke haath mein sirf 3 cherry rehti hai, grandfather usme se ek cherry utha lete hain khane ke liye, and tabhi Rakesh promptly bahut jaldi jaldi baki bache 2 cherries ko kha leta hai।
एज अ नेचर, बच्चों को नेचर होती है, एज अ मैनर्ड वे राकेश ने पूछा अपने ग्रैंडफादर से आपको चेरी चाहिए, बट उसे लगता है कहीं दादाजी एक और चेरी ना उठा लें, इसलिए वो फटाफट दोनों बची हुई चेरियाँ को खा लेता है। ही केप्ट द लास्ट सीड्स इन हिज माउथ फॉर अ लॉन्ग टाइम रोलिंग इट अराउंड अंटिल द टैंग हैड गॉन। वो बची हुई एक चेरीज की जो सीड्स बीज उसके मुंह में रह गई थी उसको काफ़ी लंबे समय तक अपने मुंह में रोल करके, रोल मीन्स घुमा घुमा कर, उसे टैंग मीन्स किसी चीज़ का स्वाद, जब तक कि उसका स्वाद, उसकी स्मेल पूरी तरह से चली नहीं जाती तब तक वो काफ़ी लंबे समय तक उसको मुंह में चूसता रहता है उस बीज को। देन ही प्लेस्ड द सीड ऑन द पाम ऑफ हिज हैंड। तभी उसके बाद वो कहाँ रखता है उस सीट को, पाम अपने हाथों की हथेलियों पर उस सीट को रखता है। आर चेरी सीट्स लकी, ही आस्क्ड, अपने ग्रैंडफादर से पूछता है क्या ये चेरी सीट्स लकी है, किसी काम की है। ऑफ कोर्स सेड ग्रैंडफादर, हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, बट नथिंग इज लकी, इफ यू पुट इट अवे, इफ यू वांट लक यू मस्ट पुट इट टू सम यूज। तब उसके ग्रैंडफादर उससे कहते हैं हाँ क्यों नहीं लकी है, लेकिन कोई भी चीज़ तभी तक लकी है जब तक कि आप उसका कोई एक सदुपयोग ना करें, उसका कुछ अच्छा यूज़ ना करें। अगर आप इस सीट को वो फेंक देगा, राकेश ने अगर उस सीट को फेंक दिया होता तो फिर वो यूज़लेस सीट होता, लेकिन लेकिन ये सीट्स भी लकी हो सकता। अगर वॉट कैन आई डू विथ अ सीट, तभी पूछता है मैं सीट का क्या कर सकता हूँ, इसका क्या यूज़ कर सकता हूँ, जबकि दादाजी उसे समझा रहे थे इसका कुछ यूज़ कर लो, किसी चीज़ का यूज़ किसी अच्छे तरीके से अगर करोगे तभी कोई चीज़ लकी होगा। देन दादाजी ने बताया प्लांट इट, उसे लगा दो, उसे प्लांट कर दो, सीड्स को प्लांट कर दो। सो राकेश फाउंड ए स्मॉल स्पेस एंड बिगन टू डिग अप अ फ्लावर बेड। तभी राकेश एक छोटी सी स्पेस, छोटी सी जगह ढूंढ लेता है अपने सीड्स को लगाने के लिए। बिगन टू डिग अप अ फ्लावर बेड, डिग मतलब कि खोदना, वो स्टार्ट कर देता है मिट्टी को खोदना, किस लिए, अपने सीड के लिए। फ्लावर बेड मतलब कि हियर फ्लावर बेड मीनिंग इज फ्लावर बेड मीन्स फ्लावर्स जो होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं उनका तो घर, उनका हाउस, उनका बेड सब कुछ तो मट्टी ही होता है ना, इसीलिए वो एक गड्ढा खोदने लगता है जिसे वो फ्लावर बेड कहता है, उस सीड्स के लिए गड्ढा खोदता है। तभी दादाजी क्या कहते हैं, हे नॉट देयर, वहाँ नहीं, सेड ग्रैंडफादर, वहाँ नहीं, आई हैव नो मस्टर्ड इन दैट फ्लावर बेड, मैंने उस जगह, उस मट्टी में, उस सॉयल में मैंने मस्टर्ड की सीड्स ऑलरेडी लगाई हुई है। मस्टर्ड मीन्स सरसों के दाने, सरसों की बीज तो मैंने ऑलरेडी वहाँ प्लांट की हुई है। सो आफ्टरवर्ड व्हाट ही सेड, प्लांट इट इन दैट सडी कॉर्नर, उसे कहाँ प्लांट करो, वो जो छाया लिया हुआ कॉर्नर है साइड में वहाँ प्लांट करो, वेयर इट वुड नॉट बी डिस्टर्ब, वहाँ उसे कोई भी डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। राकेश वेंट टू द कॉर्नर ऑफ द गार्डन, राकेश गार्डन के कॉर्नर में जाता है, उसी जगह जहाँ दादाजी ने उसे बताया है सीड्स को प्लांट्स करने के लिए। ही प्रेस द सीड इन टू द सॉइल, वो विथ हिज थंब, अपने थंब से, एंड इट वेंट राइट इन, अपने थंब से वो सीड्स को मट्टी में, सॉयल में प्रेस करता है, और जैसे ही वह प्रेस करता है अचानक से वो अंदर चली जाती है मिट्टी के। व्हेन इट हैड हिज, उसके बाद वो वहाँ सीड लगाकर वहाँ से वो चला जाता है। देन ही हैड हिज लंच, उसके बाद वो अपना लंच करता है, एंड रैन ऑफ टू प्ले क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड, और अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने चला जाता है। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट द चेरी ट्री, अब वो सब कुछ चेरी ट्रीज के बारे, चेरी ट्री के सीड के बारे में भूल चुका रहता है, क्योंकि राकेश सिर्फ 7 साल का छोटा बच्चा रहता है, वो लगाता है सीड और भूल जाता है और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने चला जाता है। व्हेन इट वाज अ विंटर इन द हिल्स, जब अब विंटर का सीज़न हिल्स में, हिली एरिया जो है हिमालय का, वहाँ शुरू हो जाता है। व्हेन इट वाज, जब वहाँ विंटर का सीज़न रहता है। नाउ इन दिस पैरा देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट विंटर सीज़न, अ कोल्ड विंड ब्लू डाउन फ्रॉम द माउंटेन, ठंडी हवा कहाँ से बहती है, माउंटेन के निचली पार्ट में, निचली पार्ट्स के जो माउंट, छोटे जो एरिया जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पे जब विंटर स्टार्ट होती है तो ठंडी हवा वहाँ पे बहती है। एंड वेंट वू 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 इन द देवदार ट्री, देवदार ट्री मीन्स अ ट्री, मोस्टली ये वेस्टर्न हिमालयस के रीजन में होते हैं, ये ग्रो करते हैं, जो कि काफ़ी लंबे ट्री होती हैं और इनकी जो पत्तियां होती हैं वो काफ़ी नोकीली निडल लाइक शेप्स की होती हैं इनकी, देवदार ट्री की पत्तियां। इन देवदार की ट्रीज जो लगी हुई हैं इनमें से जब हवा गुजरती है तो कैसी आवाज़ होती है, वू वू, जब हवा आती है तो ऐसी आवाज़ होती है। इन द इवनिंग्स, अब शाम हो चुकी है, क्या होता है इवनिंग में, लेट्स सी। ग्रैंडफादर एंड राकेश सैट आउटसाइड नियर द चारकोल फायर,
ग्रैंडफादर फादर और राकेश बाहर कहाँ बैठे हैं? चारकोल फायर के पास. चारकोल मीन्स इन हिंदी यू कैन से, मोस्टली वी कैन यूज़ द वर्ड कोयला. कोयला कहते हैं. ये एक तरह का हार्ड ब्लैक सब्सटेंस होता है, देन दैट कैन बी यूज मोस्टली टू बुल्ड अ फायर. दैट चारकोल इज़ यूज फॉर बुल्ड अ फायर ओनली. चूंकि वहाँ काफ़ी ठंड होती है इसलिए चारकोल जलाकर रखा गया, रखे हैं बाहर. वहीं पे राकेश एंड ग्रैंडफादर बाहर बैठे हुए हैं. ग्रैंडफादर टोल्स स्टोरीज, और वहीं पे जहाँ चारकोल बाहर जला हुआ है घर के बाहर, यू कैन सी इन दैट पिक्चर ऑल्सो, इमेज इज देयर इन योर बुक. वहीं पे ग्रैंडफादर राकेश को कुछ स्टोरियाँ सुनाती हैं. नाउ लेट्स सी स्टोरीज किस टाइप की रहती है. स्टोरीज अबाउट अ पीपल हु टर्न्स इंटू एनिमल्स. स्टोरी कैसे कैसी कैसी स्टोरियाँ सुनाते हैं? ऐसी स्टोरियाँ जैसे कि आदमी इंसान जो कि जानवर में बदल रहा हो, इस टाइप की स्टोरी सुनाते हैं. मीन्स दैट जम्प्स एंड स्टोन्स दैट वेप्ट. मीन्स मोस्टली वी कैन से किसी भी चीज़ की फली को कह सकते हैं, बर्ड्स को भी कह सकते हैं फली. वो फलियाँ जो कि कूद रही हैं, स्टोन्स जो कि रो रहा है, रोने वाले पत्थरों की कहानी, फलियों फलियां जो कि कूदती हैं, ऐसी फलियों की कहानी, इंसानों को जानवर में बदलने की कहानी, इस तरह की कहानियां ग्रैंडफादर राकेश को वहां बैठ के चारकोल फायर के पास बैठकर सुना रहे हैं. दे न्यू इट वॉज अ स्प्रिंग वेन द वाइल्ड डक फ्ल्यू नॉर्थ अगेन टू साइबेरिया. उन्हें ये पता होता है, इट वॉज अ स्प्रिंग. ये आइडिया उनसे उन्हें कैसे लगता है, जबकि वाइल्ड जंगली डक्स जो है कहाँ की ओर जा रही हो, नॉर्थ की ओर अगेन जा रही हो, कहाँ से? साइबेरिया की ओर से. अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह मॉर्निंग जब होता है, अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन ही गॉट अप टू चॉप अ वुड एंड लाइट अ फायर, राकेश सॉ द वी शेप्ड फॉर्मेशंस फ्लाइंग नॉर्थवर्ड. राकेश सुबह सुबह जब उठता है वो क्या देखता है? व्हेन ही गॉट अप टू चॉप वुड एंड लाइट अ फायर, वो क्या करते हैं? वुड को चॉप करते हैं, मीन्स काटते हैं. किस लिए? क्योंकि वहाँ बहुत ठंड होती है इसलिए आग जलाने के लिए. लाइट अ फायर मीन्स आग जलाने के लिए लकड़ियाँ काटते हैं. तभी राकेश क्या देखता है, लकड़ियाँ काटने के लिए जब वो सुबह उठता है तब कभी राकेश क्या देखता है? राकेश सॉ द वी शेप्ड फॉर्मेशन फ्लाइंग नॉर्थवर्ड. वी शेप्ड फॉर्मेशंस फ्लाइंग नॉर्थवर्ड मीन्स एक वी शेप बनाते हुए कुछ बर्ड्स जो हैं किस ओर उड़ रही हैं, नॉर्थवर्ड्स की ओर उड़ रही हैं. मोस्टली बर्ड्स जो कि फ्लाई करती हैं वी शेप्ड बनाने के, वी शेप्ड बनाकर नॉर्थवर्ड के लिए, ये एक इंडिकेशन होता है कि दैट बर्ड्स वेयर फ्लाइंग वन कंट्री टू अनदर टू स्केप फ्रॉम विंटर. विंटर से बचने के लिए वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री के लिए उड़ती हैं, तो वो वी शेप्ड बनाकर उड़ती हैं. ये एक इंडिकेशन होता है जब वो नॉर्थवर्ड की ओर उड़ती हैं कि वो बर्ड सब जो हैं ठंड से बचने के लिए दूसरे कंट्री में जा रही हैं. वन मॉर्निंग इन द गार्डन ही वेंट टू पिकअप व्हेन ही थॉट वॉज अ स्मॉल ट्विग. एक मॉर्निंग क्या होता है गार्डन में, जबकि राकेश कुछ उसे कुछ दिखता है तो वह झुक कर, बैंड में से झुकना, झुक कर देखता है. क्या दिखता है उसे? स्मॉल ट्विग. ट्विग मीन्स होता है छोटी सी टहनी, स्मॉल प्लांट्स की टहनी निकली हुई है. ही फाउंड टू हिज सरप्राइज दैट इट वॉज वेल रूटेड. और वो क्या देखता है, वो छोटी सी टहनी जो छोटे से प्लांट्स में निकली हुई है, वो उसकी जो जड़ें हैं रूटेड, मतलब रूट मीन्स जड़, रूटेड मीन्स वो आश्चर्य में देख के बड़ा खुश हो जाता है कि उसका जो जड़ है वो पूरी तरह से उस मिट्टी में पकड़ जमा चुका है. ही रैन टू फैच अ ग्रैंडफादर. वो ग्रैंडफादर को ये बताने के लिए भागता है और चिल्लाता है, कॉलिंग दादा कम एंड लुक. दादा आओ और देखो, द चेरी ट्री हैज कम अप. चेरी ट्री जो हमने लगाई थी वो आ चुकी है, वो निकल चुकी है वो चेरी ट्री. अब ना द नेक्स्ट पेज फर्स्ट लाइन, वॉट चेरी ट्री? आस्क ग्रैंडफादर. क्या वही चेरी ट्री? द सीड्स वी प्लांटेड लास्ट ईयर. लुक हियर दिस लाइन, गिव लिटिल अटेंशन. द सीड वी प्लांटेड लास्ट ईयर मीन्स अब उस बीज को लगे हुए एक साल हो चुका है, वही बीज जिसे हमने लास्ट ईयर लगाया था. लुक, तो देखने आते हैं उसके ग्रैंडफादर. दे बोथ बेंड डाउन पियर्ड एट द टाइनी ट्री.
पियर मीन्स जब हम किसी को प्यार से देखते हैं, वो दोनों झुककर बड़े प्यार से उस छोटे से पौधे को देखने लगते हैं। यस इट्स अ चेरी ट्री। ग्रैंडफादर काफ़ी झुककर उसे ध्यान से देख रहे थे और वो ये आइडेंटिफाई करना करने के लिए ध्यान से देख रहे थे कि ये चेरी ट्री है या कोई जंगली पेड़ है। देन आफ्टर आइडेंटिफाइंग दैट ट्री, ग्रैंडफादर कह रहे यस इट्स अ चेरी ट्री, हाँ ये चेरी ट्री ही है, यू शुड वाटर इट नाउ एंड देन, अब तुम्हें हर वक्त इसे पानी देते रहने पड़ेगा। राकेश वेंट इंडोर्स एंड कम बैक विद अ बकेट ऑफ वाटर। राकेश फटाफट अंदर जाता है और कैसे वापस आता है, वो हाथ में एक पूरा बकेट वाटर का भरकर वापस लेकर आता है। डोंट ड्रोन इट, अरे इसके ऊपर डालना नहीं, इसके ऊपर नहीं डालना, सेड ग्रैंडफादर एंड लाफिंग। ग्रैंडफादर हंसने लगते हैं और कहते हैं इसके ऊपर ये पानी नहीं डालना। राकेश गिव इट स्प्रिंकलिंग्स एंड सर्कुलेट विद अ पेबल। क्यों नहीं डालना बकेट ऑफ वाटर, क्योंकि वो तो छोटा सा प्लांट है, उसके लिए तो थोड़ा वाटर इनफ होगा। एक बकेट डालने से तो वो प्लांट ही में भी हो सकता है मर जाए, उसे उतने पानी की ज़रूरत नहीं रहती है अभी, क्योंकि वो छोटा सा ट्विग स्मॉल प्लांट है अभी। देन राकेश गेव इट अ स्प्रिंकल, स्प्रिंकल मीन्स छिड़काव, पानी का छिड़काव करता है। एंड सर्कुलेट विद अ पैबल्स, और उसके किनारे के किनारे पैबल्स में छोटे छोटे पत्थर, पत्थरों का सर्किल बना देता है। वॉट आर द पैबल्स फॉर, ग्रैंडफादर आस्क, ग्रैंडफादर पूछते हैं ये पैबल्स किस लिए लगाया है, पत्थर क्यों लगाया है सर्किल, इस प्लांट के चारों तरफ पैबल्स पत्थरों का सर्किल के जैसा क्यों बनाया हुआ है। फॉर ए प्राइवेसी, सेड राकेश। राकेश क्या बोलता है, प्राइवेसी के लिए। प्राइवेसी मीन्स जब हम किसी को एक बींग एक अलग बिना किसी डिस्टर्बेंस की कोई एरिया, प्राइवेट एरिया बनाते हैं किसी के लिए, ये तो इसलिए कहता है फॉर प्राइवेसी। डैट ईयर द मानसून रेन कम ईयरली, उस साल मानसून जल्दी आ जाता है, मानसून की जो बारिश है वो जल्दी आ जाती है। फर्न्स स्प्रैंग फ्रॉम द ट्रंक ऑफ ट्री, फ्रंक स्प्रैंग फ्रॉम द ट्रंक ऑफ अ ट्रीज। हियर फ्रंस मीन्स होता है इन वेन ग्रीन प्लांट विथ अ लॉन्ग स्टेम एंड द लीव्स लाइक अ फेदर, दे हैव अ नो फ्लावर, मीन्स प्लांट्स में खूब हरे पत्तियाँ, लंबे लंबे स्टेम्स वाले प्लांट जिसमें खूब पत्तियाँ हों बट उसमें फूल ना हो, उन्हें फर्न्स कहते हैं। फ्रंस स्प्रैंग फ्रॉम द ट्रंक मीन्स तना, उस ट्री के तने पे जो है फ्रंक्स मतलब उसके ब्रांचेस में लंबे लंबे स्टेम्स तो आ गए हैं, उस पर ट्रीज पे लीव्स हैं बट कोई फ्लावर्स नहीं है। एंड द ट्रीज ड्रिप्टेड एंड द मिस्ट केम कर्लिंग अप द वैली। हियर ड्रिप्टेड मीन्स सूख जाना, और बाकी जो ट्रीज है उस वैली में और भी तो ट्रीज हैं ढेर सारी इस चेरी ट्री के अलावा, तो वो सारी ट्रीज जो है मोस्टली अब सूख गई हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत ठंडी हवा जैसे चल रही है। ड्रिप्टेड मीन्स वी कैन से, ड्रिप्टेड मीन्स सूख जाना एक्चुअल मीनिंग, बट ड्रिप्टेड हो गई है कैसे, मिस्ट, क्योंकि मिस्ट मतलब कि कोहरा आ चुका है कर्लिंग अप द वैली, जो कि वैली को चारों ओर से घेर चुका है। द चेरी ट्री ग्रो क्विकली इन दिस सीजन, और ये जो एटमॉस्फेयर होता है ये चेरी ट्री के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए चेरी ट्री इस सीजन में बहुत जल्दी बढ़ा। इट वॉज अबाउट 2 feet, अब वो 2 feet का हो गया। व्हेन अ गोट एंटर्ड इन द गार्डन एंड एट ऑल द लीव्स, जब एक बार गोट जो है वो उस गार्डन में बकरी घुस जाती है और वो सारे उस प्लांट के लीव्स को खा जाती है, उस वक्त वो चेरी ट्री सिर्फ 2 feet का रहता है। द ओनली द मेन स्टेम्स एंड द 2 thin ब्रांचेस रिमेन, अब जो कि इतना पत्ती उसमें स्प्रैंग था, फर्न्स स्प्रैंग्स हो चुके थे, इतने लंबे लंबे स्टेम्स हो चुके थे, अब जो कि गोट के घुसने के बाद और गार्डन में उसने उस चेरी ट्री के सारे लीव्स को खा लिया है, तो अब सिर्फ उस चेरी ट्री के में सिर्फ मेन स्टेम एंड 2 पतले पतले ब्रांचेस ही बची हुई हैं। आफ्टरवर्ड व्हाट हैपेंस ही, नेवर माइंड सेड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर राकेश से कहते हैं नेवर माइंड। सीइंग डैट राकेश वॉज अपसेट, ये देख कर राकेश काफ़ी अपसेट हो जाता है, अपसेट मीन्स मूड ऑफ हो जाता है। इट विल ग्रो अगेन, देन ग्रैंडफादर उसको चेयरअप करते हैं, कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये अपने फिर ग्रो हो जाएगा। प्लांट है चेरी ट्री बहुत टफ होते हैं, ये नहीं मरेगा, ये फिर से ग्रो हो जाएगा। टूअर्ड द एंड ऑफ अ रेनी सीजन, अब रेनी सीजन जो स्टार्ट हुआ था अब उसके एंड में, अब उसी चेरी ट्री पे क्या होता है, न्यू लीव्स अपीयर ऑन द ट्री, उस ट्री पे नए पत्ते निकल आते हैं। देन ए वुमेन, अभी नए पत्ते निकले ही रहते हैं तभी क्या होता है, अ वुमेन कटिंग ग्रास केम
डाउन द हिल साइड हर शायद स्विशिंग थ्रू द हैवी मॉनसून फॉलेज. हियर द वर्ड इज इन अ शायद. शायद मीन्स शायद स्विशिंग मीन्स होता है. स्विशिंग मीन्स आवाज़. पेड़ को काटते समय जो आवाज़ आती है हश हश उसकी आवाज़ होती है स्विशिंग मीन्स. एंड शायद एक तरह का औजार होता है जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं पेड़ को काटने के लिए. इन हिंदी वी कैन से हसिया. वी कैन से हसिया प्रॉपर हिंदी हसिया वी कैन से जहाँ जिससे एक किसान लोग अपना अनाज को काटते हैं. एक तरह का क्वेश्चन मार्क के शेप का वो औजार होता है जो कि मोस्टली प्लांट्स को कट करने के लिए एक टूल जैसे होता है. टूल जो कि काफ़ी शार्प होता है और कर्व उसके ब्लेड रहते हैं और उसका और वो उसका हैंडल काफ़ी लॉन्ग रहता है पकड़ने के लिए. स्पेशली टू कट अ लॉन्ग ग्रासेस वी आर यूजिंग दिस शायद. तो फिर क्या होता है जब भी उस छोटे से प्लांट में चेरी ट्री में नए नए पत्ते निकले ही होते हैं तभी एक ग्रास कटिंग करने वाली वुमेन घुस जाती है. किसके साथ? वो टूल्स के साथ शायद के साथ. और फटाफट बिना कुछ सोचे समझे थ्रू द हैवी मॉनसून फॉलेज. फॉलेज मीन्स हियर जो भी लीव्स और प्लांट्स जो हुए रहते हैं वो सब बिना सोचे समझे वो अपना जो टूल है शायद जो है हसिया जो है उससे फटाफट सब काटने लगती है. शी डिड नॉट ट्राई टू अवॉइड द ट्री. वो कुछ भी नहीं देखती है कि कौन से प्लांट कट रहे हैं कौन से ट्री कट रहे हैं. वो कुछ भी नहीं देखती और बिना देखे सब अपने सारे पेड़ों पे हसिया चलाने लगती है. वन स्वैप एंड द चेरी ट्री वॉज कटिंग इट थ्रू. और उसके अचानक से उसी तरह काटने से एक बार एक स्वैप मीन्स एक झटके से उसने चेरी ट्री को दो हिस्सों में कट कर देती है. तभी ग्रैंडफादर देखते हैं. व्हेन ग्रैंडफादर सॉ व्हाट हैड हैपेंड क्या हुआ वहाँ पर ही वेंट आफ्टर द वुमेन एंड स्कोल्ड हर. वो उस औरत के पास आते हैं और उसे काफ़ी बुरी तरह डांटते हैं. बट डैमेज कुड नॉट बी रिपेयर. लेकिन ये ऐसा डैमेज हो चुका था जो किसी भी तरह से रिपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि चेरी ट्री को उसने दो हिस्सों में काट दिया था. मे बी इट विल डाउन नाउ सेड राकेश. राकेश कहता है मे बी अब ये तो मर जाएगा ये प्लांट. बट अ चेरी ट्री हैड नो इंटेंशन टू डाई. लेकिन चेरी ट्री की कोई भी इच्छा नहीं रहती है मरने वाली. वो अभी मरने वाला नहीं है. By the time summer came around again, अब जबकि समर का सीजन गर्मी का सीजन आता है, it had sent out several new shoots with a tender green leaves. अब समर के सीजन में उस चेरी ट्री में नए शूट्स विथ अ टेंडर. टेंडर मीन्स अ कोमल नए ग्रीन पत्ते ब्राइट ग्रीन लीव्स निकल जाते हैं उस चेरी ट्रीज में से. राकेश हैड ग्रोन टॉलर टू. अब चूंकि राकेश भी लंबा हो चुका रहता है. ही वॉज 8 नाउ. अब वो 8 साल का है और वो दिखने में कैसा है? स्टडी बॉय विथ अ कर्ली ब्लैक हेयर एंड अ डीप ब्लैक आई. स्टडी मीन्स एक हेल्दी बॉय. एक तगड़ा अच्छा खासा लड़का जो कि कर्ली है घुंघराले बालों के साथ और गहरी काली आँखें उसकी रहती हैं. नाउ द नेक्स्ट पेज. वन डे ही फाउंड अ ब्राइट ग्रीन प्रेइंग मैंटिस पर्स्ड ऑन अ ब्रांच. इट वॉज द चेरी ट्रीज फर्स्ट विजिटर. अब राकेश क्या देखता है एक दिन. ही फाउंड अ ब्राइट ग्रीन पेयरिंग मैंटिस. मैंटिस वी कैन से मैंटिस एक तरह का लार्ज ग्रीन इंसेक्ट होता है जो कि मोस्टली दैट होल्ड्स इट्स अ फ्रंट लैग अप व्हेन इट इज वेटिंग टू कैच अनदर इंसेक्ट. इट लुक एज इफ इट इज अ प्रेइंग. हियर मैंटिस मीन्स अ स्मॉल ग्रीन कलर का इंसेक्ट होता है. स्मॉल ग्रीन इंसेक्ट जो कि अपने पाँव को इस तरह से चपके चपका के मतलब इस तरह से सटाए हुए रखता है जैसे कि लगता है कि वो हाथ जोड़ के गॉड को प्रेयर दे रहा हो. इसलिए इस कीड़े का नाम प्रेइंग मैंटिस है. वो पर्स्ड मींस बैठना. कहाँ पर बैठा हुआ? ऑन अ ब्रांच. किसके ब्रांच पर? चेरी ट्री के. वन डे राकेश क्या देखता है? फाउंड अ ब्राइट ग्रीन प्रेइंग मैंटिस. ग्रीन कलर का लाइट ब्राइट चमकीला ग्रीन कलर का जो प्रेइंग मैंटिस जो इंसेक्ट है वो ब्रांच पे बैठा हुआ है चेरी ट्री के. और ये चेरी ट्री का फर्स्ट विजिटर रहता है. मीन्स चेरी ट्री के पेड़ का वो फर्स्ट विजिटर मीन्स वो पहली बार कोई कीड़ा उस चेरी ट्री पे बैठता है इंसेक्ट बैठता है. नेक्स्ट विजिटर क्या रहता कौन रहता है चेरी ट्री का? लेट्स सी. द नेक्स्ट विजिटर वॉज अ हेयरी कैटरपिलर. एक हेयरी कैटरपिलर नेक्स्ट विजिटर रहता है. हु स्टार्टेड ईटिंग द लीफ. जो बैठते ही
उसके लीव्स को खाना चालू कर देता है। चेरी ट्री के राकेस रिमूव्ड इट, राकेस उसे जल्दी से हटाता है। क्विकली एंड ड्रिप्टेड इट ऑन अ हीप ऑफ ड्राई लीव्स, और उसे कहाँ फेंक देता है, हीप मतलब कि ढेर, किस चीज़ का ढेर, ढेर ऑफ हीप ऑफ ड्राई लीव्स, सूखी पत्तियों का ढेर हो ढेर के ऊपर वो उस कैटरपिलर को फटाफट फेंक देता है। और उसको क्या इंस्ट्रक्शन देता है, कम बैक व्हेन यू आर अ बटरफ्लाई ही सेड, अब तभी आना जब तुम बटरफ्लाई बन जाओगे, तो तितली बन जाओगे तभी आना वापस। विंटर केम अर्ली, अब विंटर जो कि जल्दी आज आ चुका है, आ जाता है। द चेरी ट्री ब्लेंड लो एट द रेट ऑफ अ स्नो, चेरी ट्री थोड़ा झुक गया है नीचे, किसके वेट से, स्नो के वेट से। ना देन इन अ फरवरी इट वॉज अ राकेश बर्थडे, अब फरवरी आ चुका है, राकेश का बर्थडे भी है इसी मंथ में। ही वॉज अ नाइन, चूँकि राकेश 9 ईयर्स का हो गया, एंड द ट्री वॉज अ थ्री, और ट्री जो है 3 ईयर्स ओल्ड का हुआ। बट इट वॉज ऑलमोस्ट एज टॉल एज राकेश, लेकिन ट्री ऑलमोस्ट लगभग कितने राकेश के हाइट के बराबर ही हो चुका है ट्री, क्योंकि तो ट्री सिर्फ 3 साल का है, और राकेश जो है ट्री को लगाए हुए सिर्फ 3 साल हुआ है, और राकेश जो है वो 9 ईयर्स का है। वन मॉर्निंग द सन केम आउट, द ग्रैंड फादर वेंट इन टू द गार्डन, एक दिन जब सुबह होती है और सूरज आता है, और ग्रैंड फादर बाहर निकल कर गार्डन में देखते हैं, स्टेयर एट द चेरी ट्री, वो स्टेयर मतलब घूरना, चेरी ट्री को घूरते हैं, एंड देन कॉल आउट राकेश कम एंड लुक, राकेश जल्दी बाहर आओ और देखो। राकेश एंड ग्रैंड फादर गेज एट द ट्री, गेज मीन्स गेज्ड मीन्स घूर कर देखना, वो बहुत घूर कर ट्री को बहुत ध्यान से देखते हैं। तो वो दोनों क्या देखते हैं, देयर वाज अ पेल पिंक ब्लॉसम एट द एंड ऑफ द ब्रांच, ब्रांच के एंड पे एक पिंक कलर का, लाइट पिंक कलर का फूल खिला रहता है, ब्लॉसम मतलब फूल खिला रहता है। इन द फॉलोइंग ईयर देयर वर नो ब्लॉसम्स, और इन बीते हुए सालों में उस ट्री के ऊपर कोई भी फ्लावर नहीं आया रहता है। एंड सडनली द ट्री वॉज टॉलर देन राकेश, और अचानक से जो ट्री है चेरी ट्री, राकेश से भी ज़्यादा लंबी हो जाती है। एंड देन इट वॉज अ टॉलर देन ग्रैंड फादर, उसके बाद वो ग्रैंड फादर से भी ज़्यादा लंबी हो जाती है। हु वॉज अ ओल्डर देन सम ऑफ द ओक ट्रीज, जो कि कुछ ओक ट्रीज से भी ज़्यादा ओल्डर हैं। बट राकेश हैड ग्रॉन टू, लेकिन अब राकेश भी बड़ा हो चुका रहता है। ही कुड रन एंड जम्प एंड क्लाइंब ट्री एज वेल एज अ मोस्ट बॉयज, वो अब दौड़ता है, कूदता है, जंप करता है, जैसे कि उस उम्र के बाकी सभी बॉयज़ लड़के बच्चे खेलते कूदते हैं, उस तरह राकेश की भी इंटरेस्ट दूसरे दूसरे कामों में हो जाती है। एंड ही रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, वो काफ़ी ढेर सारी बुक्स भी पढ़ता है। ऑल दो ही स्टिल लाइक लिसनिंग टू द ग्रैंड फादर स्टोरीज, चूँकि राकेश अब बड़ा हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी उसे ग्रैंड फादर की वो सारी स्टोरीज अच्छी लगती है। बीस केम टू फीड ऑन द नेक्टर्स इन द ब्लूम्स ब्लूम्स ऑफ द ट्री, अब बीज, हनी बीज जो होती हैं वो नेक्टेरियल मीन्स फूलों का जो रस होता है उसको चूसने के लिए उसके ब्लूम्स ब्लूम्स पे, उसके फूल पे, चेरी ट्री के फूल्स पे बैठना चालू करती हैं। टाइनी बर्ड्स पिक्ड एट द ब्लूम्स, अभी कुछ जो छोटी छोटी चिड़ियाँ होती हैं वो बर्ड्स जो होती हैं वो ट्री के फूलों पे चोंच मारकर उसे तोड़ भी देती हैं। एंड ब्रोक दैम ऑफ, उसे तोड़ दे रही हैं, फूलों को ख़राब कर देती हैं। बट द ट्री कैप, लेकिन उस तोड़ने के बाद भी वो ट्री लगातार काफ़ी ढेर सारी फूल उसमें उगते जा रहे हैं। डैट समो देयर वर अ स्मॉल चेरी चेरीज ऑन द ट्री, उस समर में क्या दिखता है उसे कि उस चेरी ट्री पे छोटे से चेरीज छोटी छोटी चेरीज हुई हैं। राकेश टेस्टर्स वन एंड स्पैट इट आउट, राकेश एक चखता और उसे तुरंत बाहर निकाल देता है मुँह के। क्यों, बिकॉज इट्स अ टू श्योर ही सेड, वो काफ़ी खट्टा है, श्योर मीन्स खट्टा। दे विल बी बेटर नेक्स्ट ईयर, ग्रैंड फादर रिप्लाई, ग्रैंड फादर क्या रिप्लाई करते हैं, अरे इस साल नहीं अगले साल वो अच्छा हो जाएगा। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद क्या होता है, ऑन अ वार्म सनी आफ्टरनून, गर्मी का दिन आफ्टरनून रहता है, राकेश वेंट इन टू द गार्डन एंड ले डाउन ऑन अ ग्रास बीनीथ द ट्री, गर्मी का दिन रहता है इसलिए राकेश बाहर जाता है गार्डन में और ले डाउन ऑन द ग्रास बीनीथ द ट्री, उस ग्रास के नीचे बैठता है, वो ट्री के नीचे की जो ग्रास रहती है उसके अंदर, बीनीथ मतलब कि ट्री के नीचे अंदर की जो ग्रास रहती है उसके नीचे ट्री के शेड में जाकर बैठता है। ही गेज्ड अप थ्रू द लीव्स एट द ग्रेट ब्लू स्काई, ही गेज्ड अप, गेज मीन्स घूरता है, देखता है काफ़ी गौर से उसकी पत्तियों को,
के बीच से, उस ट्रीज की पत्तियों के बीच से वो आसमान को, नीले नीले आसमान को देखता रहता है। राकेश, ग्रैंडफादर केम आउटसाइड टू। अब ग्रैंडफादर भी बाहर आ चुके हैं क्योंकि गर्मी का दिन है, वो बाहर आके गार्डन में बैठे हैं। एंड दे वेटेड इन अ साइलेंस अंटिल द स्टार केम आउट। और वो वहाँ तब तक बैठे रहते हैं जब तक कि रात नहीं हो जाती और तारे नहीं आ जाते आसमान में, तब तक वो, उनका प्लान रहता है वहाँ बाहर ही बैठने का। देर आर सो मैनी ट्रीज इन द फॉरेस्ट, सेड राकेश। राकेश ग्रैंडफादर से कहता है कि दादाजी, यहाँ पे इस फॉरेस्ट में तो बहुत ढेर सारी ट्रीज होगी, वाई डू वी लाइक दिस ट्री सो मच? तो हम सिर्फ इस चेरी ट्री को ही, इस ट्री को ही क्यों सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? बिकॉज वी प्लांटेड इट आवर सेल्फ, सेड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर क्या कहते हैं, क्योंकि इस ट्री को हमने प्लांट किया है, हमने लगाया अपने हाथों से, इसी वजह से वी प्लांटेड इट आवर सेल्फ, हमने इसे प्लांट किया है। तब राकेश क्या बोलता है, जस्ट वन स्मॉल सीड, सेड राकेश। एक छोटा सा बीज, एक छोटा सा सीड था, मतलब खाली ये जिसको हमने प्लांट किया और थोड़ा सा केयर दिया। एंड ही टच द स्मूथ बार्क ऑफ द ट्री। बार्क ऑफ द ट्री मतलब ट्री के, ट्री को छूता है, बार्क में बाहरी लेयर जो ट्री की होती है उसको छूते हुए क्या बोलता है, एक मतलब उसको बहुत फीलिंग्स आती है अपनेपन की, उस ट्री से टच करते हुए देखता है कि आज जो छोटा सा बीज लगाया था वो इतना बड़ा ट्री बन गया। दैट हैड ग्रॉन, जो कि बढ़ गया और इतना बड़ा ट्री बन गया। आई वंडर, उसे आश्चर्य होता है, वो ही विस्पर्ड, वे फुसफुसाता है, काफ़ी धीरे से बोलता है, कितनी आश्चर्य की बात है। ही विस्पर्ड, इज दिस वॉट इट फील्स लाइक टू बी अ गॉड? क्या यही वो फीलिंग है, मतलब जैसे कि जो भगवान का करिश्मा जिसे कहते हैं, क्या वही ये फीलिंग्स है? द लिटिल बॉय राकेश टच द लीव्स एंड द ट्रंक्स ऑफ द चेरी ट्री, विच मेक्स द नरेटर बिलीव दैट द चेरी ट्री मस्ट बी फीलिंग लाइक अ गॉड। क्या यही वो फीलिंग है जो गॉड के जैसे फील कराती है? दिस वॉट इट फील्स लाइक टू बी अ गॉड, ये लास्ट लाइन राकेश कहता है और उसे काफ़ी अच्छा लगता है अंदर से कि उसने तो सिर्फ एक छोटी सी बीज को लगाया था और जो कि अब वो ट्री बन चुकी है इतनी बड़ी, छोटी सी, थोड़ा सा केयर देने के बाद से। सो दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर चेरी ट्री। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। इफ़ यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो इन द कमेंट बॉक्स।